राजस्थान के दौसा में एक बार फिर से बोरेवेल हादसा हुआ है। यहाँ 5 साल का आर्यन बोरेवेल में जा गिरा और फंस गया। दौसा जिले के कालीघाट गांव की घटना बताई जा रही है। यहाँ सोमवार को करीब 3:30 बजे दोपहर को आर्यन मीना अपनी मां गुड्डी देवी के साथ खेत पर जा रहा था और रास्ते में बोरेवेल के समीप उसका पाव फिसल गया और वो 150 फीट गहरे बोरेवेल में जा गिरा। इधर बोरेवेल में बच्चा गिरने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद खुद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार, विधायक दीनदयाल बैरवा सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसटीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। इधर हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के एक और तो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, वहीं बोरेवेल से सीधे निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम है तीनों ही काम कर रही है। एनडीआरएफ भी उनको डायरेक्टली निकालने का प्रयास करेगी, नीचे अम्ब्रेला शेप में उसको रोककर और एक जो है ऊपर रिंग से उसके हाथ को फंसाने का, और साथ ही साथ खुदाई भी कर रही है। देखिए मूवमेंट के बारे में अभी जैसे कि डिटेल में हमारे एनडीआरएफ के जो है कमांडेंट है उन्होंने आपको बता दिया था। रात को जो है तकरीबन 2 बजे के आसपास देखा गया था, उसके बाद से अभी हम कैमरा फोने डालते हैं तो लेटेस्ट अपडेट हमें भी पता चला।